हेलो बच्चू, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल. सो लेट स्टार्ट अवर फोर्थ चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज वाटर प्लांट्स. सो वाटर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं. सो यहाँ पे हम कुछ प्लांट्स के फिगर्स देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा हिंट्स देखेंगे, फिर उनके नाम को आइडेंटिफाई करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज दिस इज फ्री फ्लोटिंग पेरिनियल एक्वाटिक प्लांट. दिस इज नेटिव टू ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका. इट हैज़ ब्यूटिफुल पर्पल एंड पिंक फ्लावर. तो ये जो प्लांट है ये पूरे साल भर ग्रो होता है, साल भर उगा रहता है. मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मतलब पतझड़ वगैरह नहीं होते, पूरे साल हमेशा उगता है, ये हरा भरा रहता है. और ये इसमें जो है पर्पल या फिर पिंक कलर के सुंदर फूल खिलते हैं. और ये बहुत तेज़ी से उगता है, विगोरसली, मतलब बहुत तेज़ी से ये प्लांट उगता है. उगने के बाद ये रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, मतलब अपने आप की अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है. और ये क्या करता है, जिस एरिया में ये उगेगा वहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को बहुत कम कर देता है, शून्य कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं वो क्या करती हैं, डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं. दिस प्लांट इज नोन एज वाटर हाइसिंथ. सेकेंड प्लांट जो ये आपका है, दिस इज फ्लोटिंग हैव स्मॉल फ्लावर्स एंड फाइव येलो पेटल्स. ये जो है ये छोटा सा व्हाइट कलर का इसमें फ्लावर होता है. और ये जो पौधा है इसमें पंखुड़ियाँ होती हैं, पांच पंखुड़ियों का ये एक पौधा होता है. और इसकी कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो सी वीड्स होती हैं, और इसका नाम होता है फ्लोटिंग हार्ट. नेक्स्ट इज दिस इज अ जियंट सी प्लांट आर एक्चुअली अ स्पीसीज ऑफ लार्ज ब्राउन एल्गी. ये एक तरीके का प्रजाति है जो कि क्या होता है, इसे ब्राउन एल्गी कहते हैं. और फाउंड इन पैसिफिक ओशियन, जो कि कहाँ पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स में. दे ग्रो इन डेंस, मतलब ये जो एल्गी होता है ये इतना घना इसकी ग्रो होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं ये, मतलब जहाँ पे भी ये ग्रो होते हैं. और इतने ग्रो होते हैं जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट के जैसे बिल्कुल स्ट्रक्चर इनका फॉर्म हो जाता है. और इसमें बहुत सारे फिशेस और बहुत सारे सी एनिमल्स क्या होते हैं, रहते हैं. सो इट्स नेम इज जियंट कैल्प. नेक्स्ट दिस इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट हैज स्पॉन्जी ग्रीन लीव्स. दे फॉर्म थिक फ्लोटिंग मैट्स विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द पॉन्ड. दिस एक्वाटिक वीड इज फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. सो ये जो प्लांट है ये पाया जाता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाया जाता है. ये एक एक्वाटिक सी वीड है और ये फ्रीली तैरता हुआ एक प्लांट होता है. और ये जब ग्रो कर लेता है पूरा वाटर के सरफेस पे, तो जैसे लगता है कि कोई मैट हो इस तरीके से ऊपर से ये पूरे एरिया को कवर कर लेता है. और इस प्लांट का नाम है वाटर कैबेज. नेक्स्ट ये जो प्लांट है, दिस इज फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट, ग्रोस कॉमनली इन द स्टैग्नेंट वाटर. इट इज एन एग्रेसिव इन्वेडर दैट मे किल फिश इन द हैबिटेट by depletion of the oxygen level. They can also kill submerged plants by blocking the sunlight. ठीक है, ये जो एक मतलब फ्रीली तैरता हुआ पानी में प्लांट है, और ये जो होता है ये भी बहुत एग्रेसिव होता है. एग्रेसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित, मतलब जहाँ पे ये होगा वहाँ किसी और को ग्रो नहीं करने देगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लांट होता है. और ये पानी के ऊपर तैरता हुआ रहता है, लेकिन जो है ये इतनी ज़्यादा अपनी संख्या को इंक्रीज कर लेता है और इस एरिया में ऑक्सीजन लेवल को ज़ीरो कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पाई जाने वाली जो फिशेस होती हैं वो मर जाती हैं, वो जी नहीं पाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाता है. इसके साथ साथ दूसरा जो है वो यहाँ पर सनलाइट, मतलब ये ऊपर से ग्रो कर जाता है, रास्ते को एकदम ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो नीचे तक नहीं जा पाती. तो क्या होता है, जो और दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको भी ये, मतलब वो भी मर जाते हैं, यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ये पौधा होगा. और इसका नाम है डक वीड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.